हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? स्वागत करते हैं मेरे न्यू वीडियो में। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, हम लोग आज जा रहे हैं अगरतला का जो इंटरनेशनल रेलवे ट्रैक हो रहा है, रेलवे स्टेशन बन रहा है हमारे इधर पे, जो बांग्लादेश के साथ, इंडिया और बांग्लादेश को जो कनेक्ट करेगा, और इंडिया और बांग्लादेश होकर कलकत्ता जाने वाले जो रेल ट्रैक बन रहा है हम लोग इधर पे। तो आज हम लोग उधर पे जाएंगे एक्सप्लोर करने, तो आप लोगों को दिखाने। सो वीडियो के अंत तक बने रहो। तो हम लोग नज़दीक आ चुके हैं रेलवे स्टेशन के, और लास्ट तक देखो, क्योंकि पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना बढ़िया प्रोजेक्ट है, और कैसा बन रहा है हमारा इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन। सो इंडिया का जो थर्ड इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन होगा बांग्लादेश के साथ। सो और आज मेरे साथ है अभिषेक भैया जो डोमिनियन राइडर है, और मेरा छोटा भैया है पिनाक बोल के। तो आज हम तीन बंदे उधर पे जाएंगे दिखाने आप लोगों को, जरूर आप लोगों को अच्छा लगेगा। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए अप्रूवल रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, जोखिम उठा रहे हैं आप लोगों की वजह से। पूरा एक्सप्लोर करेंगे आज, छोटा मोटा वीडियो नहीं बनेगा भाई, बहुत थोड़ा बहुत लंबा होने वाला है वीडियो, जरूर अंत तक देखो क्योंकि बहुत कुछ दिखाने को है यहाँ पे। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। उधर पे मेरा हम लोग का और एक राइडर है, वो राइडर आ रहा है पीछे पीछे। अच्छा अच्छा, ये रास्ता है भाई, उधर को ना। बाप रे बाप, रास्ता बहुत खराब है यार। तो दुकान है यहाँ पे? हाँ, छोटा वाला दुकान नजर में आ रहा है। ये सारे चीज ऊपर लग जाएगा। हाँ, तो गाइस आप लोग जो देख रहे हो ये वाला, ये फ्लाईओवर बन रहा है, क्योंकि अगरतला मेन सिटी के ऊपर से जो ट्रेन है वो अगरतला स्टेशन होके इधर पे आने वाले, तो मेन सिटी के ऊपर से तो रोड से नहीं जा सकते, तो इसलिए फ्लाईओवर बन रहा है इधर पे जाने के लिए, और कुछ ही साल में सल के अंदर ये फ्लाईओवर बन जाएगा। ये रेलवे ट्रैक होगा यार। हाँ, रेलवे ट्रैक बनेगा। हाँ, रेलवे ट्रैक ही बनेगा। अरे बाप रे बाप, बहुत वाला पानी था, होंडा पर बटा पर दिया। सिर्फ और सिर्फ गाइस आप लोगों के लिए, इतना ऑफ रोड से हम लोग गुजर रहे हैं, मेरा पहने के लिए का जो हाल है बहुत खराब हो चुका है। पता नहीं उसको घर पे लेके जा सकते या नहीं, इधर भी छोड़ना पड़ेगा शायद। गाइस वीडियो को सपोर्ट करो यार। भैया चलो घुमा लो इधर से, और मत जाओ उधर, पूरा पूरा रोड टूटा हुआ है, ऑफ रोड है पूरा, कुछ नहीं होगा। देखो गाइस इसको कैसे लेके जा रहा है उधर के, दो ट्रेन के माध्यम से इस इधर पे, तो आइडिया लगा सकते हो आप लोग कितना वजन होगा इसका। तो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोड है, और मेरा जो पहने के लिए वो कभी रुकने वाला नहीं है। आप लोग देखो गाइस कैसा लग रहा है आप लोग। बॉर्डर है, तो देखने जा रहे हैं सामने जो इंटरनेशनल बॉर्डर है बांग्लादेश और इंडिया के बीच, उधर पे जा रहे हैं आप लोगों को दिखाने। और रास्ता तो देख ही रहे हो, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये बहुत साल पहले, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको
सक्सेसफुली बनाने के लिए बहुत पहले से सोच रखा था। अभी जो फिलहाल देख रही है कि आगरतला का एक एरिया है जिसको कहते हैं चारीपारा, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ट्रैक आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, रेलवे ट्रैक, ये सीधा आगरतला जो मेन स्टेशन है वहाँ से एक फ्लाईओवर की तरह ब्रिज बना के फिर यहाँ से जोड़ दिया जाएगा। और साथ में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सामने एक वो बॉर्डर फेंसिंग, शायद आप लोग कैमरा में नहीं आ रहा, तो आगे जाएंगे तो आप लोग देख सकते हो आगे बॉर्डर का फेंसिंग है, वहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि इंटरनेशनली फेंसिंग लगा हुआ है। और काफ़ी जल्दी ये काम हो रहा है और आने वाले दिन में बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी लोगों को और बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प होगा दो देशों में बिजनेस को बढ़ाने के लिए, दो देशों में समझौता मतलब इन अंडरस्टैंडिंग को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा। जैसे कि जहाँ तक हमें मालूम है दिल्ली से सीधा पाकिस्तान का समझौता जो समझौता एक्सप्रेस जो है वो चलता है फिलहाल, और वेस्ट बंगाल यानी कि कोलकाता से ढाका तक रेलवे ट्रैक तो यहाँ उधर भी है, वहाँ पे भी ट्रेन चालू है। और ये जो फिलहाल ये तीसरा नंबर पे आता है अगरतला से ढाका, अगरतला से डायरेक्ट कोलकाता जा सकते हैं भाया ढाका होके, तो ये तीसरा कॉरिडोर बनेगा इंडिया का। तो अभी फ़िलहाल हम लोग बढ़ रहे हैं फेंसिंग की तरफ, तो उधर एक शायद वीडियो नहीं बना सकते, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं बॉर्डर फेंसिंग में, तो वहाँ पे हम लोग वीडियो नहीं बना सकते। तो इधर से अगर आप लोग को दिखाई दे रहा है शायद वो जो आप देख रहे हो एक ब्लैक कलर का एक लाइन, वही है बॉर्डर फेंसिंग, और वहाँ तक ही हम लोग जा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो तो ये सीधा उस स्टेशन से उधर से आके इधर से कनेक्ट होके ये जो ट्रैक आपको दिख रहा है, और ये सीधा यहाँ पे आगे फेंसिंग लगा हुआ है, ये बॉर्डर फेंसिंग है, ये फेंसिंग आपको दिख रहा है इधर अभी तो फिलहाल बंद है, तो ये ट्रैक जब चालू हो जाएगा शायद यहाँ पे गेट वगैरह भी बन जाएगा, तो ये सीधा चला जाएगा, सीधा ये रोड चला जाएगा बांग्लादेश की तरफ टूवर्ड ढाका। तो अभी हम लोग बिल्कुल बॉर्डर के तरफ खड़े हैं, और ये बंदा जो देख रहे हैं आप चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब हिज चैनल, सपोर्ट कीजिए इस तरीके से आप लोग प्यार दे रहे हैं, इस तरीके से आप लोग प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा देना। तो गाइस फिलहाल तो अभी हम लोगों का जो आप लोग देख रहे हो इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो बॉर्डर के पास से और इधर का जो BSF थोड़ा बहुत बोल रहे हैं कि इधर पे वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है, बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर है, तो थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन है इधर पे। तो अभी तो फिलहाल हो गया इधर पे हम लोगों का वीडियो बनाना, आप लोगों को दिखाना भी हो गया कि बॉर्डर के कैसा होता है, ट्रैक पर कैसे बन रहा है, काम कैसे हो रहा है। तो पीछे हम लोगों का पीछे जो है उधर पे रेलवे स्टेशन है जो इंटरनेशनल स्टेशन है, तो उधर पे जाके आप लोगों को दिखाएंगे अभी। तो चलो जितना कवर कर सकते इधर पे कवर कर लिया हम, तो बाकी पीछे आप लोगों को दिखाएंगे। सो वीडियो पे बने रहो, शायद अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो फिलहाल अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की ओर, जाके आप लोगों को स्टेशन कवर करके दिखाएंगे स्टेशन कैसा होता है। मैंने भी कभी दीदी का पोस्टर देखा हूँ, आज आप लोगों को भी जरूर दिखाऊंगा।
गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हो ये जो स्टेशन यहाँ पे बन रहा है कितना बड़ा है यार, कितना बढ़िया तरीके से। और जो इधर पे जो है ट्रैक हो रहा है, इधर पे ये चेकिंग पॉइंट होगा। और अगरतला से छोड़ेगा जो ट्रेन है हम लोग का इंटरनेशनल बॉर्डर के जो बांग्लादेश जाएगा वो ट्रेन है, वो अगरतला से छोड़ेगा, छोड़ के इधर पे आएगा। इधर पे आके शायद एक स्टॉपेज होने वाला है इधर पे, जो लोग कस्टम है शायद इधर पे चेकिंग करने वाले जो आदमी लोग आगे आएंगे तो इधर पे शायद चेकिंग वैकिंग वगैरह कुछ होगा, पता नहीं है। इधर पे BSF जो उन्होंने बताया, क्योंकि पूरा डिटेल्स मेरे को नहीं मालूम। तो अभी तो फिलहाल ये बन रहा है, कुछ ही सालों के अंदर बन के कम्प्लीट हो जाएगा। अभी काम जो है बहुत ही फास्ट हो रहा है काम, आप लोग देख रहे हो। इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन, सच्ची में यार कभी सोचे नहीं थे कि त्रिपुरा में, मतलब अगरतला में इंटरनेशनल कुछ मतलब रेलवे स्टेशन होगा, कभी सोचे नहीं थे यार। थैंक यू फॉर इंडिया गवर्नमेंट इसके लिए। बहुत ही बड़ा एरिया है इधर पे, आप लोग देख सकते हो, बहुत बड़ा एरिया है यार, बहुत ही बड़ा एरिया है। इस एरिया को लेके ये जो ट्रैक है, जो स्टेशन है इधर पे बन रहा है, जब कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा आप जरूर आओ, आके देखो। सो फिलहाल तो गाइस आज हम लोग इधर पे ब्लॉग को एंड करेंगे, क्योंकि शाम हो चुका है, घर पे भी जाना है। तो आप लोगों को जितना कवर कर सकते आप लोगों को कवर करके हमने दिखाया है। आप लोग पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा है, आप लोगों को शायद अच्छे लगेगा आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो देखने के बाद। पता नहीं है आप लोगों को कैसा फील हो रहा है, कैसा अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। सो आज तो फिलहाल गाइज आज इधर ही ब्लॉग को एंड करेंगे। आशा रखते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, ऐसे ही बेहतरीन से वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। सो फिलहाल इसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा, और हमको बहुत 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 सपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे आप लोग कर रहे हो उससे भी और ज़्यादा हमको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। सो चलो गाइस सी अप, और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ मीट होगा। सो आज के लिए तो इतना ही। सो गाइस आप लोग देख रहे हो एक ढाबा है इधर पे, बाईपास के पास ही एक ढाबा है। हम लोगों को भूख लग चुका है, लंच करेंगे अभी। सो अभी भैया और पिनाक हम लोग इधर पे लंच करने आए, सो चलो अंदर जाके बात करते हैं। सो देखो आप लोग कैसा लग रहा है आप लोगों को, पूरा का पूरा ढाबा स्टाइल है इधर पे, पंजाबी ढाबा है इधर पे। तो गाइस शबा करने के लिए हम लोग बैठ चुके हैं इधर पे। आए उदिगे बॉयस, खाने के लिए हम लोग इधर पे बैठ चुके ऑलरेडी। मैंने किया चिकन बिरयानी ऑर्डर, अभिषेक भैया ने भी किया है चिकन बिरयानी, पता नहीं वो क्या खाएगा उसको तो मालूम नहीं। सो फिलहाल तो गाइस अब इधर पे फोटो सेशन चल रहा है। सो इधर पे है मेन्यू, आप लोग देख सकते हो मेन्यू इधर पे है। चिकन का जो आइटम है हम आपको दिखाते हैं आप लोगों को। मैंने ये वाला रोस्टेड दम बिरयानी ऑर्डर किया हम लोगों ने। तूने क्या ऑर्डर किया है भाई? पनीर तड़का। अच्छा, उसने तड़का ऑर्डर किया इधर से, पनीर तड़का और उसके साथ तंदूरी रोटी। तो चलो गाइस अभी तो फिलहाल वेट करते हैं खाना आने का, चलो हम लोग बात करते हैं थोड़ा। आप लोगों को कुछ नहीं बताएंगे क्या बात करेंगे हम लोग, चलो भाई। हम लोगों का थाली लग चुकी है इधर पे, तो अभी वेट कर रहे हैं खाना कब तक आएगा हम लोगों का। तो वो लोग पता नहीं फ़ोन में क्या दिख रहे हैं, एक दूसरे को दिखा रहे हैं क्या दिखा रहे हैं पता नहीं। तो चलो अभी गाइस बिस्तरी वाटर भी आ चुका है और खाना आने का इंतज़ार है बस। तो गाइस हम लोग का खाना आ चुका है इधर पे, देख रहे हो तब तो टूट पड़ने का टाइम है भाई। तुम्हारा कौन सा है, मेरा कौन सा है? बड़ा वाला और ये छोटा वाला मेरा है। चलो गाइस, तो गाइस अभी बात करने का टाइम नहीं है, क्योंकि मुकेश हमने खाना है और अभी टूट पड़ना है इसमें, तो खा के बात करते हैं आप लोगों से। बहुत ही बढ़िया है टेस्ट, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है खाने का। धीरे खा भाई, बहुत ही बढ़िया है टेस्ट। चलो टूट पड़ो भाई।
भैया ने ऑलरेडी टूट चुका है इसके ऊपर, तो मेरा वाला हो गया। चलो गाइस देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। बहुत बढ़िया टेस्ट है, आप लोग भी अगर ट्राई करो आप लोग को भी अच्छा लगेगा। चलो भाई खाने के बाद मिलते हैं।